दोस्तों, अगर आप यूनो एप्लीकेशन का पासवर्ड भूल गए हैं, फिर आप पासवर्ड डाल रहे हैं, वो आपसे चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आखिर आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपके सामने आ रहा है चेंज नाउ, तो आपको चेंज नाउ पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर पुराना पासवर्ड आपको डालना है और आपको नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर आप सिंपली क्लिक कर देते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आपको अपना 8 अंकों का न्यू पासवर्ड यहाँ पर सेट करना है, जो कि आपको उसमें कुछ बातों को यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि 1, 2, 4, इसी के साथ में स्पेस होना नहीं चाहिए, इसी के साथ में जैसे कि जो कि कैपिटल अक्षर होते हैं बड़े, ठीक है, यानी कि ABCD के बड़े अक्षर होते हैं, और उसी के ही अक्षर होते हैं छोटे, जिसे हम स्मॉल बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में @ वगैरह होते हैं, वो आपको मिलाकर इसमें 8 अंकों का बनाना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर देते हैं। उसके बाद में री एंटर न्यू पासवर्ड, वो आपको दोबारा इसमें डालना है। हमारा पासवर्ड सही है, नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ पर देख कर यहाँ पर एंटर कर देना है, और उसके बाद में हम सबमिट पर सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ जाता है गो टू लॉगिन, यानी कि पासवर्ड हमारा सफलतापूर्वक यहाँ पर बदल चुका है। अपना पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी भी ये बता रहा है कि पासवर्ड आपका यानी कि कुछ इशू बता रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन का जो डाटा है वो क्लियर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर बैक आएंगे। अब ये एप्लीकेशन जैसे न्यू तरीके से वर्क करती है, उसी तरीके से हमें इसमें साइन अप करना होगा। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं, परमिशंस को अलाउ कर देते हैं, फिर हमें यहाँ पर मिल जाता है रजिस्टर नाउ, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, परमिशंस को अलाउ कर देंगे, सिम सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, SMS परमिशंस को ऑन कर देंगे। जैसे ही आप इतना काम कर देते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर से यहाँ पर वेरीफाई होगा, तो आपको यहाँ पर कुछ सेकेंड यहाँ पर वेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं सेकेंड चल रहा है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अकाउंट नंबर डालना है, और जो भी आपके बैंक अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आपको वही डालना है जो आपने बनाया था, ठीक है, सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए OTP आ चुका है, हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं और नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। OTP हमने यहाँ पर देख लिया है, OTP डाल देते हैं और हम सबमिट कर देते हैं या फिर नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में MPIN बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, अपना एक न्यू MPIN यहाँ पर सेट करेंगे 6 अंकों का, ठीक है। तो चलिए हम अपना MPIN यहाँ पर सेट कर लेते हैं, नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। कंग्रेचुलेशन, जो हमारा MPIN है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। उसके बाद में हम यहाँ पर अपना सारा काम कर सकते हैं। तो ये एकदम अच्छा तरीका है और ये एकदम ये सही तरीका, तो इस तरीके से अपना पासवर्ड रिकवर और चेंज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।